हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के 20 वीडियो में हम देखेंगे इसके एक्शन के ऊपर काम करेंगे। एक्शन में जैसे एडिट, डिटेल और डिलीट। तो हम सबसे पहले एक्शन में अपने बटन्स को लगाते हैं। एक काम करता हूँ, डिटेल्स के तौर पर मैंने सेलेक्ट स्टार लगाया था, तो यहीं पर मैं इसको पॉपअप के ऊपर ओपन करा देता हूँ सारा डिटेल को मॉडल के ऊपर। तो मॉडल के लिए हमको क्या करना होगा, गूगल पर जाएंगे और यहां पर लिखेंगे बूट स्ट्रैप मॉडल। तो बूट स्ट्रैप मॉडल की बात करें तो यहां मॉडल बूट स्ट्रैप हम यहां से ओपन करेंगे और यहां से एक मॉडल पॉपअप को मैं यहां से ले चलूंगा। तो मैं ये वॉइस वाले कोड को कॉपी करता हूं और अपने पेज पर इंप्लीमेंट करके देखता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बूट स्ट्रैप के वर्जन के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अपने पेज पर आया और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्शन वाले में इसको यहीं पर रहने देता हूँ। देन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको डाल के देख लेता हूँ जी ये मॉडल मेरा काम कर रहा है कि नहीं बूटस्ट्रैप के पेज पर। यहाँ नीचे मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब देन मैं इसको रन करता हूँ लिस्ट वाले पेज को और चेक करते हैं जी ये मॉडल मेरा काम करता है कि नहीं। काम करेगा तो इसी को हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे डिटेल के तौर पर। ये लॉन्च मॉडल है, इस पर क्लिक करो, इस पर नहीं काम कर रहा है, डेट मीन्स मुझे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी चाहिए। 4.0 है, इट मीन्स मुझे बूटस्ट्रैप के लेटेस्ट वाले पर शायद लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ से मॉडल पे आऊँगा, फॉर्म मिल जाएगा, यहाँ मुझे मॉडल मिल जाएगा, इधर नहीं यहाँ है मॉडल, और यहाँ से मैं इसको इस मॉडल को उठा कर देखता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप के वर्जन के अकॉर्डिंग ये अलग अलग वैरी कर जाते हैं। तो बूटस्ट्रैप का हमारा शायद हमारा इसमें लेटेस्ट वर्जन ही यूज हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और देन फिर से मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि ये मॉडल मेरा काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट के साथ या नहीं। ये मेरा काम कर रहा है परफेक्टली, इसी मॉडल को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लूँगा। ठीक है, तो इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पूरे मॉडल को मैं यहाँ से कट करूँगा और यहाँ जो जहाँ मैं एक्शन लिखा हूँ यहीं पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, एक्शन को हटा दूँगा और यहाँ पर मैं डिटेल्स लिख दूँगा या डिटेल्स का आइकन्स लगा देते हैं। तो अब इसके आइकन्स लगाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, इसके आइकन्स में, और यहाँ से डिटेल का आइकन मैं उठा लूँगा कोई भी, यहाँ से सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर डिटेल्स, यहाँ पर लिस्ट की बात करूँ कुछ इस टाइप का ले लेता हूँ, डिटेल्स मीन्स पैराग्राफ्स की टाइप, ये लिस्ट ले लेता हूँ सबसे बेस्ट। इस आइकन को मैं यहाँ पर उठाऊंगा और डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईडी की। यहाँ पर आईडी क्या है, एग्जाम्पल मॉडल है और यहाँ पर भी एग्जाम्पल आपको मॉडल मिल जाएगा। ये दोनों आईडी हमको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो मैं इसको करता हूँ पॉपअप अंडर स्कोर, अब यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी डाल दूंगा क्योंकि आईडी हमारा हर के लिए अलग अलग चाहिए, और यही आईडी सेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब प्रोडक्ट का टाइटल जो है इसको मैं यहाँ पर लगा के एक बार चेक कर लेते हैं ये मेरा मॉडल टाइटल के जगह पर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। इसको मैं स्टॉप किया, कुछ नहीं किया हूँ, बस इस कोड को रखा हूँ और सिर्फ आईडी पर आईडी को मैंने चेंज किया है और मैं इसको रन करता हूँ। रन करते ही यहाँ पर आप देखोगे डिटेल का हमारा ये आ गया। इस पर मैं अगर क्लिक करूँ तो ये देखो ये वाला टाइटल आ रहा है, अगर मैं लास्ट वाले पर क्लिक करूँ तो ये लास्ट वाला मेरा टाइटल आ रहा है। डिटेल के तौर पर हमने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके डिटेल के तौर पर मैं इसमें अब सारे डेटा यहाँ पर मैं डालूंगा। तो टाइटल तो मेरा आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी हमको लेना है, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर एक पी टैग के अंदर डिस्क्रिप्शन को डाल देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद इमेज की बात करूँ तो इमेज मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पर, जैसे जो 300 या 400 कर दूंगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन के नीचे इमेज डालूंगा और उसकी यहाँ पर मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास IMG फ्लूड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें मुझे क्या करना है, इसकी प्राइस, और तो प्राइस भी एक पी टैग के अंदर यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद इमेज आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। अब नीचे इमेज के नीचे मैं एक और पी टैग डालता हूँ और इसमें स्टेटस और डेट डाल देता हूँ। इसका स्टेटस क्या है और इसका डेट क्या है, तो यह हमारा क्या हुआ, डिटेल तैयार हो गया बिना कुछ किए, ठीक है। अगर आप चाहो जो डिटेल का पूरा पेज अलग से बनाने के लिए, तो वही हमको सिंगल रो डिटेल वाला चीज को उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी भी देखते हैं, एडिट मोड में सिंगल डिटेल हम उठाएंगे, ठीक है। अब मैं इसको काम करता हूँ, यहाँ से इसको रन करता हूँ। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे ये इसका डिटेल मुझे मिल गया, हर प्रोडक्ट का अलग अलग मुझे इस तरह से डिटेल बॉक्स खुल के आ रहा है। तो ये डिटेल का काम तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ से डिलीट और एडिट का। तो डिलीट भी हम इसी पेज के ऊपर करेंगे जेक्वेरी के थ्रू। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ डिलीट और एडिट का बटन भी लगा ही देता हूँ। तो ये जो मॉडल मेरा यहाँ पर ये है, इसी के साथ में मैं क्या करता हूँ, डिलीट और एडिट का भी बना देता हूँ। यहाँ पर डिलीट भी मेरा, एडिट और डिलीट, तो एडिट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एडिट के केस में हम क्या करेंगे, हम कंट्रोलर पर रीडायरेक्ट करेंगे, ये HREF, और यहाँ पर HREF नहीं होगा हमारा। एडिट के केस में हमने क्या किया था, यहाँ पर डिलीट ESP एक्शन बजाऊंगा, और यहाँ से कौन से एक्शन पर भेज देना है मुझे। अगर बात करें प्रोडक्ट कंट्रोलर की, तो ये हमारा जाएगा एड एडिट प्रोडक्ट पर, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ और इसमें FA आइकन, इस आइकन को लगा देता हूँ। BI लिस्ट के जगह पर एडिट लगा दूंगा और क्लास इसमें लगा दूंगा, ठीक है। और यहाँ एडिट के लिए हमारे पास, यहाँ से मैं एडिट का ढूंढ लेता हूँ इसमें आइकन्स में, यहाँ पर आइकन्स पे आऊँगा और यहाँ एडिट पर लिखूंगा एडिट। तो एडिट से रिलेटेड मुझे यहाँ आइकन्स मिल जाएंगे, एडिट में इसको मैं डाल देता हूँ, और रिमूव के लिए भी एक ले लेता हूँ। तो यहाँ से रिमूव का भी आइकन मैं डाल देता हूँ। एडिट वाला को मैं ले चलता हूँ और एडिट को मैं यहाँ लगा देता हूँ पहले। ये रहा एडिट का। उसी तरह रिमूव की बात करें तो रिमूव के लिए भी मैं यहाँ पर सबसे लास्ट में, क्योंकि रिमूव मेरा अंतिम में ही होता है, तो अंतिम में मैं लास्ट में यहाँ पर मॉडल के बाद, मॉडल से टीडी बंद होने से पहले यहाँ पर मैं रिमूव का भी डाल देता हूँ। रिमूव ठीक है, और ये रिमूव मैं यहाँ पर इस ए को यहाँ पर। अब रिमूव के केस में क्या होगा, मेरा यहीं से रिमूव कराना है, एडिट मेरा मास हो गया। प्राइमरी के जगह पर मैं इसको कर देता हूँ डेंजर, डेंजर मीन्स बेसिकली ये रेड कलर का आ जाएगा। और यहाँ पर ESP एक्शन ऑप्शन कुछ नहीं करना है मुझे, HREF, और इसको मैं कर देता हूँ जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट void 0, और इस पर मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक मेथड लिखेंगे, ठीक है। तो ये एडिट और डिलीट की बात, डिलीट के लिए हमने क्या किया, पेज को अपने
डिज़ाइन चेंज कर लिया। अब देखते हैं जी ये डिज़ाइन प्रॉपर किस तरह से थोड़ा दिखता है, तो इसको रन करके हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये एडिट। अब एडिट में हमारा क्या आ गया, ये सीधा रिडायरेक्ट होके इस पर आ गया। लेकिन अब यहाँ से मुझे एडिट क्या, इसकी आईडी भी तो लेके जानी पड़ेगी। और ये हमारा क्या हुआ, डिटेल, और ये हमारा तो डिटेल तो हो गया। और एडिट की बात करें तो एडिट में मुझे यहाँ से इसकी आईडी लेके जानी है। आईडी लेके जानी है तो फिर मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ पर ईएसपी कंट्रोलर के साथ में एक चीज होता है ईएसपी, और ईएसपी के साथ में राउट डेटा, ईएसपी राउट, और राउट पर मैं यहाँ से दूंगा आईडी, और आईडी में मैं क्या पास कर देता हूँ, यहाँ राउट आईडी में क्या करूंगा, एट द रेट आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी यहाँ से मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से आईडी चला जाएगा। चेक करते हैं आईडी मेरा लेके जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर मैं गया डिटेल पर। अब मैं यहाँ से आईडी मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ से अगर मैं एडिट पर क्लिक करूँ तो यहाँ आप देखोगे यहाँ ऊपर में वन लेके आया आईडी। अब इस आईडी के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, अपने गेट मेथड बेसिकली एक डिटेल का बनाएंगे, जिसमें क्या करेगा, ये सारा डेटा लाके फिलअप करेगा, मतलब बाइंड करेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आईडी के बिहाफ पर एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ प्रोडक्ट डेटा को। यहाँ से एडिट में यहाँ पर हम बनाएंगे अपना एक मेथड, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इंट, ये किस टाइप का होगा, नल टाइप का होगा, आईडी, आईडी यहाँ हमको मिल जाएगा। अब इस आईडी के बिहाफ पर मुझे क्या करना है, अपने डेटा को उठा के लेके आना है, सिंगल डेटा उठा के लेके आना है। तो मैं यहाँ से इसको ये करता हूँ और इसको यहाँ से मॉडल को रिटर्न कर देता हूँ। और मॉडल जब मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा तो यहाँ से मॉडल में मैं क्या उठाऊंगा, सीधा मॉडल इज इक्वल टू, अब कैटेगरी सर्विस नहीं होगा, सर्विस हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट वाला होगा, यहाँ से प्रोडक्ट सर्विस होगा, इसकी मुझे यहाँ जरूरत नहीं है अभी। अब मैं इसमें गेट कैटेगरी डेटा के जगह पर गेट प्रोडक्ट डाटा, और प्रोडक्ट डेटा के ऊपर हम जाऊंगा, गो डेफिनेशन करूंगा, तो यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाई आईडी को मैं उठाऊंगा यहाँ से, और गेट प्रोडक्ट बाई आईडी में मुझे क्या यहाँ से सप्लाई करनी है, देख लेता हूँ यहाँ से, गो टू डेफिनेशन, क्या चाहिए, एंड आईडी चाहिए। तो यहाँ से जो मुझे आईडी मिली है इसको मैं यहाँ सप्लाई कर दूंगा। ठीक है, या मॉडल डॉट आईडी, आईडी को डायरेक्ट पर सप्लाई करूंगा, हायर आईडी। अच्छा हाँ, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आईडी के बिहाफ पर डेटा को उठाऊंगा। तो आईडी के बिहाफ पर डेटा को उठाने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ चलता हूँ प्रोडक्ट पर, यहाँ पर मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पर जो आईडी आ रहा है वो मेरा यहाँ सप्लाई हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट आईडी ये वाली हो जाएगी, और यहाँ पर जो होगा वो प्रोडक्ट इन्फो में मेरा डेटा मिलेगा मुझे यहाँ से, और यहाँ से ये प्रोडक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट इन्फो में डेटा मेरा बाइंड होगा। और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो कर देता हूँ इसको चेंज करके, और देन मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट इन्फो में यहाँ से रिटर्न करा लूँगा डाटा। अब यहाँ जो ये आईडी का हमको एरर दे रहा था, क्या कह रहा है, आप देखते हैं, चला के एक बार देखते हैं जो मुझे डेटा ये दे रहा है या नहीं। इसको मैं रन करता हूँ और चेक करते हैं जी इसमें मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं। ठीक
यहाँ से आता हूँ और यहाँ से एडिट पर क्लिक किया, आईडी में मुझे वन मिला, डेट मीन्स ये वन लेके यहाँ आएगा, वन के डेटा को हमको उठाया, प्रोडक्ट इन्फो में डेटा यहाँ से क्वेरी चली और देन यहाँ से मुझे ये रिटर्न किया प्रोडक्ट इन्फो में डेटा। ठीक है, ये डेटा मुझे लेके आ गया। अब इसमें ये क्या हो जाए, मेरा कैटेगरी सेलेक्टेड नहीं आया, डैट मीन्स कि कैटेगरी के लिस्ट को हमको साथ में लेके आना पड़ेगा इसके साथ में। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसके साथ में जो ये मॉडल रिटर्न कर रहा हूँ इसमें मैं कैटेगरी को भी यहाँ पर भरूँगा। तो कैटेगरी भरूँगा तो यहाँ पर जो मैं कैटेगरी के लिए बनाया था इसको मैं हटाऊँगा और कैटेगरी मैं यहाँ से भरूँगा और कैटेगरी देन हम क्या करूँगा, यहाँ पर मैं मॉडल डॉट कैटेगरी लिस्ट, आपको कैटेगरी लिस्ट मिलेगा जिसमें मैं कैटेगरी लिस्ट में डेटा को बाइंड करूँगा और मॉडल को यहाँ से रिटर्न कर लूँगा। जैसे ही मॉडल मेरा यहाँ कैटेगरी लिस्ट भर के लेके आएगा तो इसमें मैं क्या करूँगा, कैटेगरी में मैं डेटा यहाँ से भर दिया। अब मुझे इसमें क्या करना है, जे इस व्यू के ऊपर, इसके ऊपर हमने क्या किया था, जे क्वेरी से जो बाइंड किया था उसको मैं हटा देता हूँ और जो हमने पहले तरीके से जो बाइंड किया था उसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ। अगर जे क्वेरी से मुझे डेटा लेके आना होता तब तो परफेक्टली चलता, तो अभी मैं जे क्वेरी वाला काम नहीं चला रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से इस लिस्ट के थ्रू डेटा को लेके आऊँगा और सेलेक्ट करा लूँगा, ये कैटेगरी आईडी को सेलेक्ट करा लूँगा, लिस्ट में बाइंड करेगा और देन डेटा को क्या करेगा, वो सेलेक्ट कर देगा। और यहाँ जो ये मेथड हमने बना रखा था कैटेगरी को बाइंड को, इसको मैं कमेंट करता हूँ और देन मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ से मुझे, यहाँ से तो दोनों चीज़ मिल गया, मॉडल में मुझे इसका डिटेल मिल गया और कैटेगरी लिस्ट में मैंने क्या किया, उसी मॉडल में एक लिस्ट भी भर दिया और देन रिटर्न कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ और देन हम चेक करते हैं जो मुझे कैटेगरी प्रॉपर चल रही है या नहीं। अब यहाँ से मैं एडिट पर क्लिक किया, अगर बात करें यहाँ से F11 में किया और देन मैं यहाँ से आगे गया, मुझे यहाँ से डेटा मिला, आगे बढ़ा, रिटर्न किया, देन हमारा कहा गया कैटेगरी सर्विस पर और यहाँ से कैटेगरी के डेटा को उठाया और कैटेगरी के डेटा को उठाया और देन हमारा ये आगे बढ़ा और यहाँ से बात करें तो हमको कैटेगरी भी लेके आ रहा है। अगर चेक करना है मॉडल के ऊपर तो मैं चेक कराता हूँ आपको, यहाँ से मॉडल पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ आप देखोगे तो कैटेगरी में 7 रो हमको सेलेक्टेड आ रहा है बेसिकली कैटेगरी लिस्ट में और हमको बाकी सारा ये डेटा दे रहा है। अगर मैं F5 करूँ तो यहाँ आप देखोगे कैटेगरी जो सैमसंग था इसका सेलेक्टेड हुए आ गया, क्योंकि अगर आप जेक्यूरी से काम कर रहे हो तो प्रॉपर जेक्यूरी से करो, अगर क्योंकि हमारा जेक्यूरी का जो मेथड था वो पोस्ट मेथड था और ये गेट मेथड पर चल रहा है, तो पोस्ट मेथड से पहले हमारा क्या होता है, गेट मेथड रन होता है। अब मैं इसको अपडेट करूंगा तो यहाँ से सेव पर अपडेट का फंक्शन लगाना है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ से राजेश लिखूँ, अगर मैं यहाँ से सेव करूँ तो मेरा अपडेट का मेथड चलना चाहिए, लेकिन अभी ये क्या होगा, अपडेट नहीं होगा, ये इंसर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ आ गया। अगर मैं यहाँ से अपने मेन पर आऊँ तो आप देखोगे राजेश नाम से एक इंसर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से आईडी जो भेजा है वो क्या भेजा है, 0 भेजा था। जब अपडेट का मेथड, जब इंसर्ट का मेथड हमने बना रहा था तो यहाँ से हमने क्या भेजा था, 0 भेजा था। यहाँ हमने देखो यहाँ प्रोडक्ट आईडी 0 भेजा था। और प्रोसीजर में बात करें तो अगर मैं प्रोसीजर आपको दिखाऊं तो प्रोसीजर में हमने क्या किया था, अगर प्रोडक्ट आईडी 0 आ रहा है तो डेटा हमको क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, अपडेट करेगा। तो हमारा जो हमने प्रोसीजर बनाया था प्रोडक्ट एड एडिट का, इसके हिसाब से क्या हुआ, जे ये यहाँ 0 मिला, डेट मीन्स उसने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब इसके बिहाफ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक हिडन फील्ड डालना होगा। तो हिडन फील्ड में यहाँ पर एक आपको यहाँ पर डाल देता हूँ, इनपुट टाइप हिडन, और इस हिडन फील्ड में मुझे क्या करना है, वैल्यू ले लेता हूँ या ESP4 ले लेता हूँ, ESP4 किसके लिए है, ये हमारा किसके लिए है, प्रोडक्ट आईडी के।
यहाँ पर मैं लेकर रखा हूँ हिडन, इसी को क्या करूँगा, इस हिडन की आईडी में बना देता हूँ। इसकी आईडी में क्या कर देता हूँ, आईडी हिडन पी आईडी, ठीक है, हिडन पी आईडी, हिडन पी आईडी मैं कर दिया इसको। अब इस हिडन पी आईडी को कहाँ पर मैं यूज करूँगा, अपने ऐड वाले मेथड पर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसकी आईडी को सप्लाई कर दूंगा, यहाँ डॉलर सिंगल कोट हैश आईडी डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, अब इसके बाद ये क्या करेगा, इसको अपडेट का मेथड चलाएगा, देखते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फिर से रन किया, रन करने के बाद हम क्या करते हैं, अब एक बार अपडेट चलाता हूँ मैं अपना। यहाँ से मैं आता हूँ और सबसे इसी को राजेश वाले के हूँ मैं एडिट करूँगा। यहाँ से मुझे डेटा यहाँ सारा आ गया, मैं इसमें मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि पिक्चर है नहीं इसमें। और राजेश यहाँ पर मैं कर देता हूँ, पूरा अपना नाम लिख देता हूँ, राजेश प्रसाद। अब मैं इसको यहाँ प्राइस भी डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर सेव करूँ, ये क्या करेगा, हमको डेटा अपडेट करा दिया, ठीक है। अगर आप चेक करोगे अब, तो यहाँ पर एक नया डेटा ऐड नहीं हुआ होगा, हमको क्या होगा यहाँ पर, ये देखोगे आप, यहाँ पर राजेश और ये प्राइस आ गया, और यहाँ डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ देखोगे राजेश प्रसाद आ गया। ये हमारा क्या हुआ, अपडेट का मेथड होता है डॉट नेट कोड सीख के, ठीक है।